गॉडलीनेस सीरीज का आज का सर्मन फेथ एंड ट्रूथ लीड गॉडलीनेस, ईमान और हक दीनदारी के मुताबिक। पीटर्स पहला बाब पहली आय से तीसरी आय तक पालूस की तरफ से खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगजीदों के ईमान और उस हक की पहचान के मुताबिक आगे बढ़िए जो दीनदारी के मुआफिक है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता और उसने मुनासिब वक्त पर अपने कलाम को उस पैगाम में जाहिर किया जो हमारे मुंजी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सुपुर्द हुआ है। इफ़सियों चौथा बाब 13वीं आयत, तो जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंचाए। आमीन। थीम वर्स दीनदारी का भेद बड़ा का जयान रह तालिब रह बरगजीदों के ईमान और हक की पहचान के मुताबिक आगे जो दीनदारी के मुआफिक, समझे? तो अब मैं कहूं जी मैं दीनदार मुझे बना गाते हैं ना, दीनदारी में गाता रहूं तो वो ना मुझे हक की पहचान हो ना मुझे ईमान की पहचान हो, तो मैं कहूं जी मैं गा तो रहा हूं ना। लिहाजा जब लिखा ईमान और हक की पहचान, अब पहचान करनी है ट्रुथ की, हक की पूरी पहचान, बाप की जात का पूरा रेवलेशन, पूरा आपको पता हो आपका बाप क्या, आपको मुझे आपको अपने फादर मदर के हवाला से नहीं पता होता कि कैसी नेचर क्या है, तो वो जिसे पैदा किया, जो संभालता सारी कायनात को, जिसका बेटा जिसे बख्शा, उसकी पहचान ही ना है। और कोई अपने बाप मां की बड़ी तारीफें कर तो आप ये रियाकारी के जिम्मे में आता है बल्कि दुनियादारी में आता है। जरूर अपने मां बाप से प्यार करें, जैसे मदर डे को लोग सेलिब्रेट करते हैं, जरूर अपने बाप की मां की इज्जत तो उस बाप की करे कोई, उसके हुजूर कोई हो ना, वो हमारा बाप भी है हमारी मां भी है, हम सब कुछ रिश्ते हैं, हमारा भाई भी है यीशु, हमारा दोस्त भी है, दूल्हा भी, क्या क्या रिश्ता नहीं है, समझे? और प्यार से बोलना है वो हमारा महबूब है, भाई जो सब का बयान कर उनसे रिश्ता बनाए जोड़े देखे कहां पहुंचते। तो लिखा ईमान और आगे बोलिए हक की पहचान के मुताबिक, उनसे पहले लिखा है खुदा के बरगजीदों जो ईमान में और हक की पहचान के मुताबिक आगे जो दीनदारी के मुआफिक। अब मुताबिक और मुआफिक यानी दीनदारी को लीड करता है ईमान और हक की पहचान, हक की पहचान पूरी ट्रुथ को समझो, गॉड फादर ट्रू गॉड है, क्राइस्ट ट्रुथ है, हक है, होली स्पिरिट सच्चाई का रूप, कलाम सच्चाई है, तो इसका मतलब है बाप को बेटे को रूह कुदस को कलाम को सभी को सारी ट्रुथ का, सारी ट्रुथ का खुदा की जात चीज में जब मैं बयान कर रहा हूं ट्रिनिटी के हवाला से, फादर सन होली स्पिरिट तीनों होली है, तीनों ट्रू है, पूरा पता हो उनकी ट्रुथ का, उनकी सच्चाई का, कलाम सच्चाई, तेरा कलाम सच्चाई, अपने कलाम के जरिए में मुकद्दस कर, देखे पूरी पहचान। मैं अपनी लाइफ के अंदर लगा रहता हूं बाप के हर पहलू को जानता रहता हूं, तलाश करता रहता हूं, होली स्पिरिट से पूछता रहता हूं, क्राइस्ट में निकलेगा वो क्राइस्ट में से, याद रखिए। इसलिए आप जजिंग टाइम में देखते हैं मैं गॉड फादर की बात के साथ क्राइस्ट से मिलाता हूं, होली स्पिरिट से क्राइस्ट की समझ आ गई तो आपको पीछे गॉड को खोलना ये होली स्पिरिट ही खोलेगा। आमीन। यहां एक दूसरे को पूरा नहीं जानते, हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पूरा नहीं जानते,
बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को इतनी जल्दी नहीं समझ पाते, वो जात वो ऐसे ही समझ आ जाएगी। उसकी राहें हैं, उसके रास्ते हैं, समझे, उन रस्तों से कुछ चले आए। इसलिए आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा मुदा सबको बरकत दे और सेंसिटिव हो और जोर पकड़े और अपना वक्त खुदा को दे, जाया नहीं करना वक्त, और रोज रोज ग्रो करना है, रोज रोज ग्रोथ, रोज रोज ग्रोथ हो। तो लिखा है पालूस, आप देखें कहां से स्टार्ट करता है, अपना जिक्र करता है, पर तमाम बरकजीदों को साथ लिखे, खुदा के बरकजीदों जो ईमान फेथ। दूसरी बात, हक की पहचान, नॉलेज ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ का सारा इल्म, सारी पहचान के मुताबिक आगे जो दीनदारी के मौके, आप देखें ट्रूथ को ले रहा है और फेथ को, रिजल्ट उसका दीनदारी में ले रहा है, गोल्डीनेस में, कि वो है तो दीनदारी, तो दीनदारी को जो लीड करता है आगे जो उसके चल रही है, जैसे एक ट्रेन चल रही, आगे इंजन चल रहा, तो गोल्डीनेस में चलने वालों के आगे ईमान है, ट्रूथ है, वो लेके चल रहा है। तो अब उन्हीं की पहचान हो तो दीनदारी जितना मर्जी गाते रहे दीनदार बना, नजर वो दुनियादार ही आएगा जितना मर्जी गाले, जब तक ईमान की पहचान, ईमान खुदा के बेटे, फिलिप्पियों में मैंने पढ़ा खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए। तो फेथ की बड़ी शक्लें, जैसे मैंने लास्ट टाइम ब्लड के वाला से और फजल के वाला से बयान किया, हमें एक एंगल आता है ज्यादातर, और प्रीचिंग भी एक दो एंगल पे होती रहती है, बड़े एंगल्स ईमान के, भरोसे के, इतकाद के, इतमाद के, पिस्टोस पिस्टियो वर्ल्ड, बड़े मुख्तलिफ एंगल हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या शक्लें हैं, खुदा पर ईमान क्या चीज है, मेरा खुदा पर ईमान क्या मतलब है। तो ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस है, खुदा के सारे कलाम का यकीन करना यही ईमान है, ये ईमान है कि उसने जान दी और जी उठा, तो जिस समय ये हमारा फेथ है, क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है, फाउंडेशन है, ईमान है क्रिश्चियनिटी, हम क्रिश्चियन के, ये फेथ है, पर ये भी एक ईमान है कि मैं शिफा पा जाऊंगा। आप देखें ये कितना फर्क है, वो तो एक गैर कौम का भी ईमान रख के शिफा पा जाता, जिसको पता ही नहीं है मसीह की मसलूबियत, जी उठने का, तो वो कैसे शिफा पा गया, ईमान से कि मुझे वो शिफा दे देगा। जैसे वो औरत कहती है कि कुत्ते भी मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े उठाते हैं, उसने कहा ऐसा ईमान मैंने इसराइल में नहीं देखा। तो अब आप कहेंगे वो तो इसराइल से बढ़कर ईमान, तो भाई इसराइल का कौन सा ईमान था, उनसे बड़ा ही हुआ, वो तो कबूल ही नहीं कर रहे, वो तो यहोवा के साथ चलते ही नहीं, तो ये मतलब था गैर कौम की इस औरत का उनसे बढ़कर, वो उनको रोटी देता हूं ये टुकड़ा ले गया। तो आप इसकी शक्लें देखें, बड़ी शक्लें हैं, हम ऐसे पढ़ते रहते हैं समझते हैं नहीं, जो हमारे टीचर हैं जो सुनाने वाले हैं उनसे भाई पूछ लें, उनसे उनके साथ चलें, नहीं मौज में अपनी मस्ती जा रहे हैं। अपना बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो वो किसी जगह पहुंचे, ऐसे ही रद्दी स्कूल में डालोगे तो वो रह जाएगा। तालीम, तालीम पे फोकस, रूहानी तालीम, वो तो कर ही रहे हो ये। तो हमारी लाइफ के अंदर भरपूर ईमान की जो समझ खुदा के बरगजीदे, आप बरगजीदे क्या है, आप कहेंगे पाक लोग यकीन है उनको भी, अलग किए हुए समझे चोजन लोग, ये बरगजीदा वर्ड का मीनिंग है, चोजन पीपल, अलग किए हुए, यह दीनदार अलग किए हुए, चोजन चोजन कब से, अजल से, अजल से, वहां यहां आज
तो ईमान लाए हैं, पर चुने पहले से ग्रह के लिए सारी डॉक्ट्रिन को पकड़ते रहेंगे, रोते भी रहते हैं, बर्दाश्त भी करते रहते हैं, लेके भी चलते हैं, बोलते भी नहीं है, उनको मुकम्मल रिब्यूक नहीं करते, समझाते हैं, जिस तरह आप माँ अपने बच्चों की बर्दाश्त करते हैं। माँ बाप से पूछे कितनी बर्दाश्त, अभी बच्चा भी हमारी दुआ के लिए आया, अस्पताल से लेके बैठे हैं माँ बाप, समझे कितना कितना पूरी पहचान। तो ईमान, और आगे बोलिए बोलिए, ईमान और हक की पहचान, तो पूरा नॉलेज लीजिए। क्राइस्ट क्यों आकर शिफा देता था, अभी क्यों घर घर जाता था, क्यों भाई, उसको मालूम है कि दुनिया ये नहीं आएगी, इनको ढूंढना, भेड़ को ढूंढना पड़ता है, बाज़ इवेंजलिस्ट ढूंढने नहीं जाते, भेड़ को ढूंढना पड़ता है, वो कहते हैं ढूंढ नहीं जीतती आती, ढूंढी नहीं, ढूंढोगे तो मिलेगी भाई, जाओगे तो मिलेगी, हर चीज का एक फॉर्मूला है, असूल है, तो खुदा के बल किसी का, ये चुने हुए अजल से उन्हीं को तो ढूंढ रहा, समझ, और ढूंढ ले, और आ जाती, फिर कंधे बिठाता, किधर गई थी, चल बैठ जा, चल चल चल, चल। आप ऐसे नहीं आ जाते, होली स्पिरिट ने उंगली पकड़ी, जैसे माँ अपने बच्ची की उंगली पकड़ के लाते ना चर्च, बाप भी होली स्पिरिट, चल चर्च, उनको जो बल्कि सीधा, आमीन, आप जो यहाँ आ गए हैं, आपकी उंगलियां पकड़ के लाया है, और आप कहते चलेंगे चलेंगे चलेंगे, खुदा के बरगजीते चुने हुए लोग ढूंढता है, वो आ जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और हक की पहचान, ट्रुथ की निगरा हक में, ट्रुथ में, हम हक, मेरी पहचान मसीह की पहचान। तो आप देखें, मैं ये हमेशा सोचता रहता हूं कि मैं अगर एक एक लफ्ज, मैं हमेशा ये नहीं कि एक एक लफ्ज ही लेने हैं, मेरी सारी डॉक्ट्रिन है, पर मैं कहता हूं एक हो तो क्या हो, जैसे पालूस इतनी डॉक्ट्रिन है, क्यों फिर वो एक दो दो बयान करते हैं, यहां ईमान और सच्चाई। मैं लेता हूं कि अगर ईमान हो किसी का, यानी मेरा आपका ईमान है, तो आगे डॉक्ट्रिन आएंगी, पहली पहली शक्ल ईमान, अब खुदा की जात में पहली चीज क्या है, वो भी बेशुमार है, 12 पाकीज की, पाक खुदा, होली गॉड, ये यानी और भी है, मोहब्बत भी है, फजल भी है, बेशुमार, पर नेचर, आप कहते हैं आदम और इंसान क्या फर्क है, न्यू नेचर एडम क्या फर्क, बड़ा फर्क है लफ्जों, न्यू नेचर ओल्ड नेचर, एडम तो सिर्फ लाल मिट्टी से मिट्टी गाला बनाया ना, जबिल्लत नेचर बड़ी शक्ल, हर चीज के मीनिंग फर्क, आप भी हम खड़े हैं, होली स्पिरिट ने खड़ा किया हुआ है, और आप भी ये नहीं सोचते हैं आप ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं जो कोई है उसको हम ठीक करते रहते हैं। तो खुदा के बोलिए बरगजीतों की तरह, जो ईमान और हक की पहचान के मुताबिक, तो ईमान है हमारा खुदा की जात के ऊपर, ये नहीं कि चीजों हासिल करने के लिए ईमान है, ओ भाई वो तो वैसे ही मिल जाएगी, खुदा पर ईमान, बाकी चीजों पर हमारा ईमान, ये तो ऐसे चुटकी में मिल जाएंगे। अब मैं यह कहूं जी थोड़ा ईमान नहीं जी, आपको शिफा नहीं मिली, मैं उसको उसकी तो पहचान कराऊं, वो करावे नहीं, तो वो सारा शिफा पाकर फिर वैसे का वैसा ही हो जाता। वो ईमान जो खुदा की जात को जानना हमारी बुनियाद बन जाए, वो आपकी है, जो इलेक्टेड है, जो चोजन है, जो बरगजीदा है, अभी तब है पहले से, तो इतना हमें पता हो, जब मैं पहले से हूं अजल से, तो भाई क्यों नहीं यहां
रोटी तोड़ने में क्यों नहीं यहां? जी मैं असल से ड्रामा झूठ बोलते असल से हूं, असल से कैसे नाना करके दिखाए मुझे, हमारा देखते हैं आप नाल करे ना अगर जी मैं नागा करूं कहूं जी मैं असल से हूं, चलना असल असल का और ड्रामा यहां पर दुनिया का बरगजीदा जो ईमान और आगे बोलिए हक की पहचान, खुदा को पहचाना हो तो माल खाए और कोसे उसको, इतनी दुआएं करता हूं ये हो गया वो हो गया और भाई उसको पहचानो तो सही, लिहाजा पहचान रहे हैं बढ़ रहे हैं के मुताबिक जो दीनदारी के मुताबिक जो दीनदारी को लीड करते हैं। अब हक हक की पहचान है, सुलेमान कहता है उस कदूस की पहचान यानी हक की हो गया ना, उस कदूस की पहचान फैम विजडम है, खुदा की जात की विजडम ये पहचान है। देखे किधर को चला गया सब्जेक्ट, तो उसकी पहचान के सबब से पौलुस ये भी कहता है फजल इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। अब देखे ये और डेप्थ पे चला गया, इतनी इतनी शक्लें इतने इतने रस्ते को पहचाने तो सही, चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है बोलिए मैं तुझे सरफराज करूंगा, हाँ मैं तुझे सरफराज करूंगा। कहते कि होन नहीं थे चर्च थे बढ़ा जाने, वो भी पहचानना है हक की ट्रुथ की सच्चाई की, तो सच्चाई तो वहां है जहां झूठ ही नहीं है, तो 20 झूठ बोलो चार सच्चाई की बातें करो तो कहते मैं सच्चाई को जान रहा हूं, भी जान रहा है तो झूठ 20 पे है तो फिर 10 पे आए आना तो सिफर पे ही है, फिर क्या जी आज 10 हो गए हैं आज 5 आज 2 अब तो मैंने छोड़ ही दिया मुझे पहचान मसीह की आ गई, हम ये कहे ना कहते जी झूठ भी तरक्की हो रही है, आगे से कहते जी यहां काम करता हूं बहुत का कहना मानना पड़ता है कि ये काम करना पड़ता है ये काम करना पड़ता है, बॉस जो मर्जी कहे चाहे किसी का बिजनेस है होली स्पिरिट दूसरों से ज्यादा आपको बिजनेस देगा, सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, बहाने बनाते रहते इसलिए अपनी लाइफ ईमान में और आगे बोलिए हक की पहचान जो दीनदारी के मुताबिक जो दीनदारी को बोलिए लीड करती लीड उनको पकड़ के रखना है ईमान को भी। और मैं आपको जब देखता हूं आपके साथ चलता मुझे पता है आप ईमान में भी है हक की पहचान तो भी आएंगे ना दीनदारी का रिजल्ट, हामी वो दीनदारी में चलेंगे। तो पौलुस रसूल जो आगे पौलुस जिसका जिक्र कहता है यहां इसियों में कहता है खुदा के बेटे की ईमान और उसकी पहचान, तो वो हक की पहचान होगी ना कदूस की पहचान होगी, आप लफ्ज जो बदलते चले जाए हिकमत की पहचान मसीह की पहचान नाजरी की पहचान खुदा के बेटे कहते चले जाए तो खुदा ही की पहचान तस्वीर की पहचान होली स्पिरिट की पहचान कलाम की पहचान। उसमें लिखा है जब तक कामिल इंसान, और अगली बात उसकी पहचान में एक ना हो जाए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो एक कौन होता है हस्बैंड वाइफ भी एक होता ना, लाखों लोग खड़े हो कोई उंगली उठा के देखे हस्बैंड वाइफ एक हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे तो एक नहीं है समझे, उसकी पहचान में एक ना हो जाए यानी सारी कलीसिया एक एक बदन समझे किसके साथ मसीह के साथ एक ना हो जाए, यहां तो भाई भाई
से वो लेवल नहीं है बहन बहन से रूहानी लोगों की बात, जस्मानी रिश्तों की नहीं, बल्कि लोग तो जस्मानियों को ज्यादा तरजीह देते रूहानियों को नहीं। बहुत दूर जब तक खुदा के बेटे की मां उसकी पहचान में बोलिए एक एक ना हो जाए, यानी इंफारी तौर पर मैं एक हूं, शायद मैं मिलकर एक ना बनूं, उसमें कमी हो, आप भी एक है मसीह के साथ, पर सब मिलके ने भाई सब ने, तो ये वो चर्च ही में दिखेगा ना, क्लीसिया में ईमानदार की शक्ल में दिखेगा। अब यहां आप एक हैं, किसी को कम बुलाते हैं ज्यादा, किसी के घर जाते हैं या नहीं जाते, पर यहां बैठे बताते हैं कि हम एक हैं। मगर और भी स्ट्रॉन्ग, जब तक बोलिए खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक इंसान एक ना हो जाए, उससे पहले कामिल इंसान। आप बोलिए मैं आप कामिल हो सकते हैं कामिल? आप कह जी हां हो सकता, फिर चलो कितने सालों से चल रहे हो, फिर बताओ ना कामिल। कामिल वो जिसमें गुनाह नहीं, कामिल इंसान तो यही तो है ना कामिल इंसान। तो आप कब होंगे मजमूई तौर आमी क्लीसियाई तौर पर? किसी में कम बेस ज्यादा नॉलेज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मगर जब तक एक होंगे और कामिल इंसान, अब सुनिए भेद इंसान नहीं हो सकता, ये याद रखिए। जब ओल्ड नेचर में आ रहे हैं आदम का ये लिबास पहना हो तो कामिल भाई कैसे, ये फानी बदन पहना हुआ तो मुझे बताए कामिल कैसे? मसीह जिसमें मैं था पर कामिल इंसान भी था, कामिल खुदा भी था, डिविनिटी ह्यूमिनिटी में कामिल होने वाला सिर्फ मसीहा खुदा का बेटा। आमीन। मैंने शुरू में बताया ना हस्बैंड भाई, कई वाइफ में कमजोरियां होती, कई हस्बैंड में कमजोरियां होती, तो चलते रहते हो जाते हैं, बाज नहीं होते, या हो जाते हैं बाज नहीं होते। हेड हमारा मसीह है, हो जाए आमीन उसके साथ। अब उसके साथ भी यहां का कोई मर्द हेड शोर खराब हो सकता है, वो तो नहीं है, फिर हम ही खराब हो सकते हैं, वो नहीं हो सकता। और अगर उसके साथ खड़े हो गए तो कामिल इंसान, मेरे सुनो कामिल हो जाएंगे। अगर उसके साथ हो गए तो फिर आप अपने रिश्ते नातों में भी दिखना शुरू हो जाए, खिदमत में भी दिखना शुरू हो जाए, टीम के अंदर भी दिखना शुरू हो जाएंगे, वर्शिपर वर्शिप करते हुए सब ईसा का एक एक कामिल होते चले जाएंगे। तो ये दीनदारी को लीड करते हैं। जब हक की पहचान हो गई, कामिल इंसान बन गए, तो फिर आप देखिए कि कैसे वो ट्रुथ उसको दीनदारी, वो दीनदारी साबित करेगा क्योंकि पहचान आ गई है। दीनदारी कैसे ना दिखाए, जैसे घोड़ा टांगे को खींचता ना, जब आगे ट्रुथ लगी हुई है तो दीनदार आए कैसे ना। भाई पेट्रोल डला हो तो गाड़ी चले कैसे ना। आपके सामने ट्रुथ की हक की पहचान वो लीड करती है गॉडनेस को। ईमान, मैंने ईमान की दूसरी चीजें भी वो भी मांगे, वो बल्कि मैं तो कहता हूं आप चले खुदा हीलिंग कैसे नहीं, जिसे अपना बेटा दे दिया भाई बाकी चीजें क्यों ना दे, वही कैसे नहीं देगा कि बेटा उसने हमसे पूछ के दिया, खुद खुद अपने नाम की खातिर। दूसरी चीजें भी नाना मांगेंगे फिर भी दे देता है, तो गॉड इसका मतलब है फिर गॉडलीनेस दिखे क्यों ना, दीनदारी के साथ इबादत दिखे क्यों ना, वर्शिप दिखे क्यों ना, वर्शिप गीत गाता है इंस्ट्रूमेंट बजाता दिखे कैसे ना। वो दीनदार जो होगा वो दुनियादार नहीं होगा, और अगर दुनियादारी है तो दीनदारी नहीं, और दीनदारी नहीं है तो आगे लीड करने वाले वो कमजोरी में है। तो हक तो क्राइस्ट तो
वो तो है जय, उसमें कामिल इंसान बनना है और एक होना है, कलीसिया एक दिखे। ये नहीं कि आप एक दूसरे को मिलते नहीं है, जो आपको कोई नहीं मिलता तो कह जी मैं चर्च ही नहीं जाना। और भाई चर्च किसी दूसरे के लिए नहीं आ पाते, मसीह के लिए आप एक साबित करें भी। ये उंगली बोलती है भी, ये चारों मैं तेरे साथ चल रही हूं, वो भी बस टैच है हामी कि ये कह के भाई मैं भी चलती हूं उंगलियां, पर ज्यादा जबान ही कहती मैं बड़ी चल रही हूं। इनका भी पूछ, ये सब सब कहते हैं चलते हैं, खामोश रहते हैं। चलो बस खुदा के साथ मिलकर, चलो बस एक हो, एक ना हो जाए ईमान में और उसकी पहचान में। फिर बोलिए दीनदारी ऐसे दिखेगी, दुनियादारी नीचे दिखेगी। और पलुस उसकी तंग बोलता है मैं दुनिया के एतबार से मसलूम, तू अभी आएगी कैसे, मैं ही मरा हुआ भी। एक मरे हुए को कहो जनाजे में जाते हो ना, उठ आज दुनिया में देखो क्या हो रहा। अमेरिका में नया सदर आया, हमारे मुल्क की पहले से शक्ल बदल गई है, रोड बन रहे हैं, उसको उठ, वो उस दिया उठेगा, वो नहीं उठ सकता। पलुस कहता है मैं मर गया हूं दुनिया के बाद, दुनिया कैसे दिखे, मैं दुनिया के इतबार से बोलिए मसलूम और दुनिया मेरे इतबार से। आज कितनी पसंद है बताओ तो, पर नजर भी आ, अब ये नजर नहीं आ रही, रजा आती नजर दुनिया, दुनिया के रंग रंग भंग, दुनिया के मेले, पर आप बिलीवर है। ठीक है, खुदा के बरकत सीता जो अजल से बरकत सीता, वो अपनी लाइफ से दीनदारी गॉडलीनेस। तो पहचान के सबब से जब दीनदारी आ गई तो दुनिया से अलग माना कि कहीं ना कहीं आजमाइश से फंस जाते पर निकले, निकले कहीं पौंग गंदा हो जाता है, निकले धोए वॉश करें, आगे आगे बढ़े, रोज रोज मिच्योर होते चले जाए, दिखाते चले जाए भी मैं 45 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, तो मैं नीचे को जाऊंगा ऊपर को, पास्टर साहब में नीचे को जाए ऊपर को, ये दिखा खादम नीचे जाए या ऊपर को, आप सब ऊपर को फर्शी पर ऊपर ऊपर रोज रोज। कलीसिया का ये एक होना है, ये काम इंसान मसीह में बनता है, ऐसे भाई केले नहीं बन सकते, मसीह के साथ जुड़ जाओ तो शक्ल पकड़ते जाओ। तो पौलुस कहता मैं अभी कामिल नहीं, ये के पकड़ चुका तोड़ा हुआ जाता, पर दौड़ते जाए बस चलते जाए चलते जाए, शक्ल दिखती चली जाएगी। यार बड़ा तो हानि हो गया, बहुत पहले से बड़ा फर्क हो गया, अब यार कुछ लग रहा है। हाँ बच्चों में भी कहते हैं, कलीसिया में भी कहते हैं, खादमों के अंदर भी हम कहते हैं। रेजनो आगे सुनिए, रेवलेशन लिखा ये दीनदारी के माफिक है जो आगे वो बात करने अब जा रहा है। अब देखिए मैसेज और उसमें वो छुपाया हुआ पुलिस ने, पुलिस में कहता है पहले ये तो समझ जाओ दीनदारी। और आगे लिखता है कि उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद का वादा जो उसने अजल से कर रखा, ये है जी अब इधर को लाया है भी, वो होगा ना भी दीनदारी काय के लिए कर रहे हो भी, पूछे तू क्यों भाग रहा है भाई, वो कहता जी कप के लिए कुछ करने के लिए भी, जॉब क्यों कर रहा है, वो भी इसलिए ना कर नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहां से भाई, भी मैं दीनदार किस लिए, वो कहता हमेशा की जिंदगी की उम्मीद का वादा जो अजल से आगे खुदा
झूठ नहीं बोल सकता। ये अजी उसका झूठ बोलना ना मुमकिन है। गुलामी उठो देखो आप नहीं बोल सकते। यह है सच, यह है प्योर, यह है क्या सच प्योर। तो क्या उसने वादा किया? हमेशा की जिंदगी की उम्मीद का वादा। तो फिर उस अवधि जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी के लिए नहीं चलेंगे। कहना दीनदारी इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं कि वादा उसने किया हुआ है। अजल से अजल से, पर किसी को अजल से वादा किया, झूठ नहीं को बोल सकता। मैं आप एक दूसरे का यकीन कर लेते हैं ईमानदार, और करना भी चाहिए, याद रखिए करना ईमानदार, एक दूसरे का जरूर यकीन कर। मैं ईमानदार हूं, कब ये बात करूं जरूर, अगर भाई ईमानदार है यकीन करें एक दूसरे का, अगर ईमानदार बेटे बेटे हैं तो कुछ बात यकीन करो, यकीन करो। हम उसका झूठ बोला बोलिए नामुमकिन है, वो बोल ही नहीं सकता। तो कहते हैं ईमान और हक की पहचान जो दीनदारी के मौजूद है, बल्कि दीनदार जो अजल में है वो सुन ले, उनको सुना रहा, वो सुन ले कि अजल से हम बल्कदीदा है, तो अजल से ये वादा हमारे लिए तो ही तो उसे बल्कदीदा किया, तो ही तो किया, किसलिए हमेशा की जिंदगी। तो फिर भाई ये जिंदगी 60 हो, 70 हो, पहले हो, कम हो, ज्यादा हो, जरूर इसमें आप इंजॉय करें अपने खानदान के साथ, लाइफ मगर खुदा में हो, जब बुला ले हमें तो भी अपनी जिंदगी चाहिए, हमें तो अपनी जिंदगी चाहिए, इटर्नल लाइफ चाहिए, हमें सोए लाइफ चाहिए, साए के लाइफ चाहिए, जिंदगी जो मुझ पर ईमान आता क्या मैं जिंदगी, मैं जिंदगी लाइफ। तब आप बताएं हम किसकी प्रशिश करते हैं, मुर्दा की नहीं जिंदा, जो मुर्दों में से जिंदा। गौ गौ जय के की ताली बजा क्या जिंदा हुआ, हम जिंदा थे। दुनिया को अलैलानिया कहते हैं, हमारा यीशु जिंदा मर गया था मुर्दों में से जिंदा, यही तो फर्क है दुनिया ली जा रही है। तो जिंदगी की तो लिए हम भागे फिरते हैं, वो जिंदा हो गया, और हमारा अगर लीडर मरा होता मसीह तो भाई फिर दूसरे बंदों की तरह मारा भी कोई बात से फर्क नहीं। तो जब जिंदा की इबादत हम करते हैं तो फकीर जी राष्ट्रवादी से करनी है जिंदगी के साथ, इसलिए कलिंदा बहुत जिंदा है, और फिर उसके बेटे बेटियां भी हैं, क्या भी बेटे बेटे हैं, सब है सब है सब है सब बेटे बेटे, किसी से पूछो आप जितने भी है, हाँ कहा है बेटा ये आप सब सब बेटे बेटियां सब जितने भी गए बेटे बेटियां। तो वो हमेशा जिंदा रहने वाला और उसका बेटा भी नीचे 80 साल मांगे 90 साल मांगे और मांगे ने लोड़ा पीटा शुरू कर दे, ओ क्यों क्यों भाई वो तो अपनी जिंदगी रखने वाला है। आइए करो पीना पना मुझको ऐ मेरे खुदा,
में।